नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। नीट पेपर लीक मामले में कसा शिकंजा, सीबीआई फिर से ओसिस के प्रिंसिपल को लेकर पहुंची स्कूल। अब तक 6 लोगों को किया गया डिटेन, सभी लोगों से पूछताछ जारी। पश्चिमी सिंहभूम में एनआईए का छापा, ईट फैक्ट्री में करीब 4 घंटे तक हुई तलाशी। नक्सली टेरर फंडिंग मामले में हुई कार्रवाई। अभी जेल में ही रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, पहले भी 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी न्यायिक हिरासत। पलामू में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने 3 बहनों को फूंका, विधायक कमलेश सिंह के भाई को उग्रवादियों से मिल रही थी लेवी के लिए धमकी। खूंटी में पीएलएफआई का एरिया कमांडर और उसका सहयोगी गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार कारतूस और संगठन का पर्चा किया बरामद, कई वर्षों से रंगदारी और लेवी समेत नक्सली वारदातों को दे रहे थे अंजाम। गिरिडीह में कोयला तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, एसपी ने पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, पिछले 1 साल में 75 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। बोकारो में पत्थर से कुचलकर व्यक्ति की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस, घटना स्थल से बरामद हुए हत्या में इस्तेमाल पत्थर। जामताड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आठू चलाएगी पूरे राज्य में हल्ला बोल, हुल दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ता लेंगे संकल्प। दुमका में श्रावणी मेला को लेकर प्रशासनिक बैठक, अनुमंडल पदाधिकारी ने कमियों को दूर करने के दिए निर्देश, कहा सभी तैयारियां की जाएं पूरी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की ना हो परेशानी। कोटरमा में 19वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता शुरू, कई जिलों की पुलिस टीमों ने लिया हिस्सा, पुलिस जवान विभिन्न स्पर्धा में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा, 28 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। ज्यादा खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।